मैंने अभी इस कॉल को रिकॉर्डिंग में चालू किया है। हाँ, मैं इसको ये करूँगा। एक्चुअली दीप्ति जी, बहुत सारे सवाल हमारे जो लोग होते हैं, जो साधनाएं करते हैं, सब्सक्राइबर हैं या फिर जो रुद्र साधना करते हैं, उनके मन में रहता है। तो इस रिलेटेड मैं कुछ सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद जो आप हमें मेल में क्वेरी किए थे, काल सर्व योग का कोई रिलेटेड है दूसरे कॉल में, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो पहला सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ दीप्ति जी, कि आपको क्यों ऐसा लगा कि रुद्र साधना को करना चाहिए? आपको चैनल देख के या फिर कभी रुद्र हवन किए थे, या फिर किस कारण वशत आपको ये लगा कि हमें जो है रुद्र साधना करनी चाहिए? सबसे पहले आचार्य जी, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसके पहले कभी कोई साधना नहीं किया है, मैं ये आपको बताऊंगी। क्योंकि साधना क्षेत्र ये मेरे लिए बहुत ही नया है, और मुझे ऐसा लगा कि इस टाइम की मैं थोड़ा भगवान के प्रति थोड़ा सा ये झुकाव दिखाऊं। एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा पूजा पाठ में मेरा कभी उतना ज्यादा नहीं मैंने किया है, क्योंकि मैं एक तो मैं कॉन्वेंट मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो जहाँ पे अपना हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। जी समझा जी। और मेरा हमेशा से एक भगवान के प्रति हमेशा झुकाव रहा है, गणपति बाप्पा के प्रति, माँ काली के प्रति, माँ दुर्गा के प्रति थोड़ा हमेशा झुकाव रहा है, क्योंकि एक है कि मैं बंगाल की हूँ, मेरा जो बेस है, मामा पापा है वो कोलकाता के है, तो हम हमेशा जाते रहते हैं। मेरा दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब के प्रति एक हमेशा झुकाव रहा है। मीन्स कॉन्वेंट में मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद मेरा इन सब चीजों पे हमेशा एक लगाव था। अच्छा, ये बात है। हाँ। ये तो मुझे तो आज पता चला। वैसे तो आपके साथ पहले बात हुआ था जब मेल पे, फिर एक बार बात हुआ था फिर कॉल पे, उस समय जब आप साधना का तुरंत ही आपका रिजल्ट मिला, मुझे ये भी नहीं पता था कि आपने पहले कभी साधनाएं नहीं की है। आज तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। मुझे लगा क्योंकि बहुत सारे लोग रुद्र साधना नाम सुनते ही डर जाते हैं, रुद्र के नाम से डर जाते हैं, ये उनको ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा टफ साधना है और इसको कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्या हानि हो जाएगा क्या हो जाएगा। मैं डिटेल कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि मैं सोचा कि आप अपने मेरे कुछ सवाल का जवाब देंगे तो लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली बात है मेरी, मैं जो आज ये लोगों तक ये बात पहुंचा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों के मन में जो ये हुआ है कि हमेशा ही कोई बाम मार्ग में या फिर बहुत बड़ी इस प्रकार से विभिन्न प्रकार नाश विनियोग ये सब कुछ करके, न्यास वगैरह सब कुछ करके जो ही केवल बहुत ज्यादा सिद्धि मिलती है या फिर बहुत ज्यादा कृपा मिलता है, मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूँ कि भक्ति मार्ग में भी बहुत ज्यादा कृपा मिलता है और बहुत जल्द ही मिलता है। और आपने जो साधनाएं किया है, जब आपने, अच्छा आपको ये नहीं लगा कि मैंने कभी साधना नहीं किया, लेकिन अभी ऐसे जो फीस देके 5100 देके, आपके टाइम में 4100 था ऐसा, आपको 4100 फीस देके मैं करूंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, आपको ऐसा कहीं तो नहीं लगा कि ये साधना तो ले तो जाऊंगा, मुझे कर पाऊंगा या फिर कुछ लाभ होगा, या फिर ऐसा कभी महसूस हुआ आपको? नहीं। एक तो है कि करना था, एक मैं भगवान शिव का ये मीन्स डर, आपने जैसे बहुत रखा है कि बहुत जनों को डर लगता है रुद्र नाम से, रुद्र नाम भगवान शिव का ही दूसरा नाम है, उन्हीं का अवतार है, तो देर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड, मेरे हिसाब से देर इज नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट भगवान शिव। राइट राइट, ये बहुत अच्छी बात आपने कहा, ये आपकी ये बात लोगों तक मैसेज जाएगी कि नाम सुनते ही डरने का नहीं है। हालांकि बहुत जल्द ही हम शिव जी की कुछ साधना लेके आएंगे लोगों तक और माता रानी का भी, तो उसके लिए भी रिसर्च चल रही है। अच्छा, एक बात बताऊं, जब आपने साधना किए, जब आपको साधना प्रक्रिया हुआ, तो आपकी मानसिक शांति और कैसे जीवन में परिवर्तन हो गया, और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम था उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे, कैसे थोड़ा परिवर्तन हुआ? आखिर में सबसे पहले तो है कि मेरा बेटा, मेन रीजन है कि मैं अध्यात्म की ओर बढ़ी, दैट इज बिकॉज ऑफ माय सन, क्योंकि वो मैंने जैसे कहा ही इज नॉट कम्प्लीटली नॉर्मल, वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, उसको ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है, लेकिन मैं
एक मुझे मीन्स एक ज्योतिष ने कहा था कि मेरे इसमें काल खर्च ही हो गया और प्लस मेरे हस्बैंड के इसमें भी है, जो कि मुझे पता नहीं था। ये मुझे कुछ महीनों पहले ही पता चला है, तो जिस वजह से उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो मुझे लगा कि इट इज लाइक इट इज बिकॉज ऑफ मी, मेरे कुंडली में कुछ दोष के वजह से अगर मेरे बेटे पर इफेक्ट होता है तो उसका जो है व्हाट डू यू से उसका उपाय भी मुझे ही करना है। ये बहुत ही मैं आपको बता दूं, और आपने वो भी कहा था कि उसके बारे में बोलेंगे तो फिर मैं आपसे कुछ बातें भी बोलूंगा। आपने कैसे कहा था कि जो आपकी पति का जो जॉब के सिलसिले में जो कुछ प्रॉब्लम हुआ था अपने भाई में, था, 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 था। उसका क्या रीजन था, क्या हुआ था, मतलब कैसा है ना कि मैं हस्बैंड बीच में काम कर रहे थे, उनका कुछ बहुत ही ऑफिस में प्रेशर, ये 2018 की बात है, बहुत पॉलिटिक्स हुआ, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हुआ कि उन्हें वो जॉब छोड़ना पड़ा। तो उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे ट्यूशन लेना, थोड़ा ही इज अ डाइटिशियन, तो डाइटी कंसल्टिंग वगैरह करके हमारा हो जा रहा था, मीन सेट रहा था। तब तक मुझे मेरे बेटे में प्रॉब्लम है इस बारे में पता नहीं था। तो लेकिन फिर बाद में कैसा है ना, ये मैं बेटी भी है, दोनों बच्चों का खर्चा उठाने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। When he started looking for a job, तो मैं जॉब नहीं मिल पा रहा था। एक तो है उसका थोड़ा सा एज है, he is a little on a higher side, एकदम यंग भी नहीं है, आई मीन टू से, तो एज के वजह से उनको जॉब नहीं मिल पा रहा था। फिर बाद में जब जॉब लगा, साधना जब आप दिए, कितने दिन में आपको फर्क पड़ा और कितने दिन में, देखिए ये तो सब कुछ मैं आपको बता दूं और सारे जो सब्सक्राइबर सुन रहे हैं उनको भी बता दूं, ये जो सारे परिवर्तन होता है अपने भक्ति का लेवल से होता है। आपने देखो, आपने कभी पूजा पाठ नहीं किया, पहले से ही आपको सनातन धर्म में बहुत, मतलब जो मंत्र जाप में ये सारे में रुचि था, लेकिन आपकी इस प्रकार से पढ़ाई हुई थी आपको रुचि नहीं था, तो बिना कभी मंत्र जाप किए, बिना साधना किए आपने रुद्र साधना को पकड़ा, जो कि मेरे हिसाब से इसको स्टेप लेना भी बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, किसी के पास कितना भी पैसा हो, जब तक बाबा रुद्र की कृपा ना पड़े तब तक ये साधना को नहीं कर सकता, पूरा भी नहीं कर सकता, ना ही ये पीढ़ी ले सकता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये पूछूंगा कि जब आपके साथ जो आपने जो रुद्र साधना किया, कितने दिन में ही आपको फर्क दिखने लगे, या फिर आप कितने दिन में करते करते आपको कुछ लाभ मिल गया? अखिल जी, मैं बोलूंगी कि मैंने पीडीएफ लेने के विद इन अ मंथ मेरे हस्बैंड को एक अच्छा जॉब मिल गया। अच्छा, ठीक है, जो कि आपकी प्राइमरी दिक्कत थी, मतलब जो समस्या थी उनके परिवार को ये था, और आपने कहा था कि आपके आपके जो मेल में आप लिखे थे कि आपके बच्चे के लिए एक ऐसा डॉक्टर मिले जो कि आपको उनको जो पूरी तरह से धीरे धीरे अभी वो बोल रहे हैं आपके बच्चे, जो आपका जो दिक्कत था जी। हाँ, वो मीन्स एक तो ऑटिज्म है, प्लस वो बात भी नहीं करता, यानी कि अगर मानो उसे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ कहीं पे चोट लगी है, वो बोल नहीं सकता है, और जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक हमें समझेगा नहीं। वो तो क्या है ना, मैं माँ हूँ उसकी, उसके पापा है, हम समझ जाते हैं वो क्या बोलना चाहता है, वो अपनी फीलिंग, उसकी फीलिंग हम समझ जाते हैं, लेकिन मानिए हम दोनों ही उस वक्त नहीं है, तो वो कैसे बताए। तो हमारा मेन प्रायोरिटी कि एटलीस्ट वो बात करे, वो अगर एक बार बोलने भी लग जाता है अभी तो दूसरे जो है महारुद्र की कृपा से अभी कैसा प्रोग्रेस है उस बच्चे के जीवन में? थोड़ा थोड़ा बोलने लगा है अभी। मेन तो है कि मुझे दूसरे डॉक्टर मिल गए हैं। मैं पहले जिस डॉक्टर के पास जा रही थी, हमारे कैसे बंगाली में बोलते हैं कि वो डॉक्टर दवाई दे रहा है लेकिन उसने हाथ में करके रखा, यानी कि एक मैं कैसे मंथली उनका डोजेज देती थी होम्योपैथिक का, तो एक मंथ में थोड़ा प्रोग्रेस दिखता है, दूसरे मंथ में ऐसा लग रहा है कि वो रिग्रेस हो गया, एक मंथ में प्रोग्रेस है, दूसरे मंथ में रिग्रेस है। मैं समझा इस बात को पूरी तरह से समझा। अभी जो फिलहाल आपकी सिचुएशन है, मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं तो आपको गाइड भी कर दूंगा जब ये वाला मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा, क्योंकि आप अपने कुछ प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। तो फिर मैं पहली बात है कि मैं अभी लोगों के सामने भी आपको एक बात, मतलब जो सुन भी रहे उनको साथ में एक बात बोल रहा हूँ। देखिए ये जो सारे होते हैं कि कोई कह देता है कार्सल रोग ये वगैरह, ये सारे सूझबूझ होते हैं, कितना भी कुछ भी कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर महाकाल महारुद्र
यानी शिव जी का उपासना अगर आप करते हैं तो आपकी जीवन से प्रॉब्लम जाता ही जाता है, वो टिक नहीं पाता है, क्योंकि जो खुद ही मतलब उस काल को पकड़े हैं, मतलब क्या बताऊं, जो आज इनको लोग सर बोलते हैं वो काल बोल देते हैं ना, तो शिव जी का वो एक अलंकार रूपी नहीं है, मतलब वो खुद ही उनके चारों ओर, मतलब वो क्या है, मतलब कि नागेंद्र हाथ, मतलब वो पूरी तरह से, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि शिव की जो स्वरूप है, जो जिसको लोगों ने बदनाम करके रखा है कि ये जोग है, ये है, ऐसा होगा, सारे चीज को देखिए, चाहे वो धतुरा हो, कुछ भी हो, उनको वो सब चीज को ग्रहण करते हैं। तो आप अगर उनके शरण में जाते हैं, आप में कोई दोष वगैरह है, कुछ भी हो, तो उन्होंने आपको शरण दिया है। मैं आपको यही कहूंगा कि श्रावण का महीना आ रहा है, फिर से आप रुद्र साधना करिए, और उसको मैं आपको बता दूंगा कितना कम रूप में करना चाहिए या ज्यादा रूप में करना चाहिए। अगर मैं यही कहूंगा आपको, कोई इसके लिए कोई बहुत बड़ी, मैं तो देखूंगा, आपने जैसे कहा है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी कि किसने कहा, किस प्रकार से कहा, उसके बारे में डिटेल डिसाइड होगा। वैसे भी आपको कहीं से सुन के आमने से सिर्फ डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप रुद्र साधना कर रहे हैं, मैं आपको एक बता दूं, मेरे जीवन में ये जो साधना है ना, मैं जानता हूं कि लोग डरेंगे, इसलिए मैंने इसकी कोई भी मेरी जो मुख्य तो साधना होती है वो इस प्रकार होती है कि मैं एक संपुटित लगाता हूँ, उसमें स्तोत्र लगेगा, मंत्र लगेगा, कोई क्रिया लगेगा, और इसकी गुप्त उत्कीर्ण विधि हर किसी के लिए अलग होता है। जो पीडीएफ लेता है उसके लिए वो निकलेगा, वो भी ऐसे बैठ के बाबा से परमिशन लेके उनको पूछ के पूरी तरह से समाज के रूप में वो मिलता है। तो आपके जैसे जो उत्कीर्ण विधि अलग है, दूसरे के लिए उत्कीर्ण विधि अलग है। तो मेरे कहने का मतलब, जब आपने ये रुद्र साधना कर ही लिया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई अगर कहता है काल स्वरूप है, उसकी पूरी तरह से देखना पड़ता है, अननेसेसरी कहीं पे भी आप कुछ बेकार का चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर अकाल स्वरूप है तो गोमेद पहना देते हैं, राहु के स्टोन पहना देते हैं, वो और भी सिचुएशन को ज्यादा खराब कर देता है। इसलिए अगर आप जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में सॉल्व किया जाएगा। लेकिन मैं और एक बात, फाइनल बात आपको ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर के मन में, बहुत सारे जो लोग होते हैं हमारे चैनल को विजिट करते हैं, वेबसाइट को विजिट करते हैं, उनके मन में यही शंका रहता है कि हम इतने हमें 5100 लेके या फिर जो भी फीस दे उसका लेके हम पीडीएफ को लेंगे, लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसकी जो कीमत है, क्या इतनी पैसा से मतलब इसको तुलना किया जा सकता है? हालांकि महारुद्र की साधना को कोई करोड़ों रुपया में भी तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन आप क्या कहेंगे हमारे सब्सक्राइबर को, इस साधना करके आपकी अनुभूति को क्या आप शेयर करेंगे? सबसे पहली बात तो है कि आचार्य जी, साधना बहुत बड़ी चीज है, उसको पैसे से तुलना नहीं करना चाहिए, करेक्ट, राइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और जब ये भगवान शिव की साधना है, देन इट इज, बोलो ना, उसका प्राइस ही नहीं है, इट्स प्राइसलेस। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल आता है, मैंने अपने जीवन काल में 1000 के आसपास वीडियो और दूसरे चैनल में भी वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत वीडियो बनाए, बहुत छोटे छोटे मंत्र का साधना दिए है जो कि घर में कोई कर सकता है, हनुमान जी के बहुत मंत्र है, बटुक भैरव के मंत्र है, श्री गणेश का मंत्र रहता है, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये लोग तो, ये तो धर्म के काम कर रहे हैं फिर भी क्यों फीस ले रहे हैं? तो आप अपने हिसाब से एक व्यक्ति, आप क्या सोचते हैं, जब मैंने उसका फीस रखा, क्या वो मुझे दक्षिणा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अगर नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं क्या, आपका क्या अनुभूति हुआ है? सबसे पहले तो है आचार्य जी की, ऐसा नहीं है कि आपको फीस नहीं लेनी चाहिए, आपने जो फीस रखा है वो मिनिमम फीस है मेरे हिसाब से, राइट, इट इज वेरी लो कम्पेयर टू व्हाट, मेरे हिसाब से कैसा है ना कि आप कुछ छोटा काम कर रहे, ऐसा नहीं है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग सीरियसली अ ग्रेट जॉब, आपसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने मिली है, यानी कि ऐसा है, बहुत सारी मिली है, जो मैंने जैसे कहा कि मैं कॉन्वेंट में पली बड़ी, मीन्स कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट कॉलेज, यहाँ पे पूजा प्रार्थना कुछ नहीं सिखाया गया था, मैं सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया, बहुत अच्छा लगा कि इस बात को आप समझे। देखिए, मैं एक बात को बताता हूँ, लोग अक्सर समझते हैं कि जो आज हमने जो पीडीएफ बनाया है, ऐसे ही आप तो देखे होंगे, इस विधि को आपको कहीं भी पुस्तक में नहीं मिलेगा, ना ही इसको किसी ने कभी लोकलोचन पे दिया होगा। हर व्यक्ति का एक पर्सनल शोध होता है,
हम जो यहाँ तक पहुँचे, हम जब यहाँ तक पहुँचे ये पीडीएफ बनाने की, जो हमारी अभी तक जो हैसियत हुआ, जो महारुद्र की उनकी गुणगान महिमा वर्णन को हम कुछ लिखे कुछ किए, इसको बनाने में भी हमें कई साल लगे हैं। इसके पीछे हमारे तप है, इसके पीछे कैसे कितने सारे हवन हुए हैं, इसके पीछे कितने सारे रात हमने जगा है, कितने हमने संघर्ष किए हैं, ये सभी महारुद्र जानते हैं। आज मैं कह सकता हूँ पूरी गर्व के साथ 10 या 12 लोग शायद क्या फिर ज्यादा कितने पीडीएफ लिए, मैं भी खुद कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन 90% लोगों की जिंदगी 1-2 महीने में पूरी तरह से बदल गया है। और बाकी उन लोगों को मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों का भी जीवन में सुधार नहीं हो रहा है वो धैर्य रखे। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, उस दिन भी कहा था मैंने, 12 में से 10 लोगों का साधना सफल होता है, 2 लोगों का नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि उनकी तब तो ही मेहनत नहीं किया, या फिर उनके कुछ ऐसे कर्म थे, इस मंत्र जाप से उनके सारे पूर्व जन्म की इस जन्म की पूरे कर्म कट रहे हैं, तो धीरे धीरे होगा, है ना। तो आप उनको क्या कहेंगे, धैर्य के साथ महारुद्र पर आस्था रख के साधना करने के लिए, या फिर अगर ये साधना नहीं हुआ तो फिर भटकने के लिए, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? भटकने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको भगवान पे भरोसा रखना है, राइट। अगर उन्होंने आपको तकलीफ दी है तो उसका निवारण भी वही करेंगे। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है दीप्ति जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी आपकी जो पर्सनल सवाल है वो मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आपसे मैं पूछूंगा। और पहली बात है कि मैं आपसे यही चाहता था कि आप इस बात को शेयर करें, हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने रुद्र साधना की है और उनकी जीवन में परिवर्तन भी हुआ है। तो मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से सभी लोगों को कि हमारे चैनल में आपको ये नहीं चाहिए कि आप केवल रुद्र साधना ही करो। हमारे चैनल में जितने भी सारे वीडियो तैयार होते हैं वो बहुत ही सरल होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। उसको देख के अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में जरूर बदलाव होगा। इसलिए दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अभी ही बात करूंगा, तो कृपया सब्सक्राइबर मीडिया का जो ये संदेश था बहुत अच्छा लगा। मैं भी यही कहूंगा कि आप महारुद्र साधना को बीच बीच में करते रहिए और धीरे धीरे सबको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है ना। सही बात है।